कवि और इसकी कृति इस कार्यक्रम में मैं आपका स्नेहपूर्वक स्वागत करती हूँ ये कविताओं की यात्रा जो है आपको जरूर आनंददायी लगती होगी और इस यात्रा में अब हमें आगे बढ़ना है हमारे मन में अक्सर ख्याल आता है जीवन में हम संपादित करें तो क्या करें <laughs> वही आज जानना है जीवन की सच्ची संपदाओं के बारे में और उसके लिए हमारे साथ है हमारी कवयत्री सीता गुप्ता जी नमस्ते सीता जी नमस्कार आपका फिर से स्वागत इस कार्यक्रम में कवि और इसकी कृति आपने कविता लिखी हुई है सच्ची संपदा और जीवन की सच्ची संपदा जो है उसके बारे में आप पहले क्या कहना चाहती हूँ मैं दर्शकों को ये कविता सुनाने वाली तो हूँ लेकिन आपको क्या लगता है जीवन की सच्ची संपदा कौन सी है दर्शकों आपसे ही मैं पूछती हूँ आप संपदा किसे मानते हैं कुछ लोग संपदा केवल धन को मान मानते हैं लेकिन संपदा कई प्रकार की होती है मेरे संस्कार भी मेरी संपदा है मेरी संपत्ति भी मेरी संपदा है मेरा सौंदर्य मेरा पद मेरा सत्ता सब मेरी संपदा है मेरा समाज भी मेरी संपदा है अगर मैं अच्छे समाज में मेरी ग्रोथ होती है तो नेचुरली मेरे को सब कुछ अच्छा मिलेगा बात है हमारा धन के साथ हमारे गुण भी हमारी संपदा है हमारा आरोग्य भी हमारी संपदा है इसलिए हम जब श्लोक कहते हैं करोति कल्याणम तो उसमें आरोग्यम धन संपदा धन से पहले आरोग्य भी आता है आपने लिखा हुआ है खुशबू महकेगी खुशबू महकेगी मुस्कानों के फूल खिलाओ क्या बात है पहली पंक्ति इतनी सुंदर है खुशबू महकेगी मुस्कानों के फूल खिलाओ बगीचे वाले फूल नहीं मुस्कानों के फूल से महकने वाली खुशबू कितनी प्यारी पंक्ति है तो ये कैसे भला ये कैसे भले खुशबू महकेगी मुस्कानों के फूल खिलाओ कोई आपका स्वागत कैसे करता है उसके ऊपर आपका पूरा निर्भर करता है ना आप उसके बारे में क्या सोचते हैं हाँ। मान लीजिए आप किसी के घर में गए उसने हाँ। मुस्कान पूर्वक आपका स्वागत किया हाँ। तो क्या लगेगा आपको बहुत ही अच्छा लगेगा आपका दिल एकदम गदगद हो जाएगा हाँ। आप सोचेगा हमने आकर इनके घर अच्छा किया हाँ। ये तो हमारा मन से स्वागत कर रहे हैं, हाँ। तो यही मेरा भाव है मुस्कान के फूल खिलाओ हाँ। आप पानी बाद में लाएंगे आप बैठने को बाद में कहेंगे सबसे पहले अगर आप एक मुस्कान दे देते हैं तो आने वाला तृप्त हो जाता है और अपना दिल खोल के रख देता है आपके सामने क्या बात है मुझे ऐसा लगता है कि एक मुस्कुराहट हजार प्यार भरे शब्दों के बराबर है आपने जो कहा इसके लिए इंग्लिश एक कहावत है स्माइल कैन कट डिस्टेंस ऑफ माइल क्या बात है एक स्माइल आपकी दूरी को मिटा सकती है वाह क्या बात है और आपकी भी मुस्कुराहट जो है उस मुस्कुराहट से ये कविताओं की खुशबू है वो कविताओं की खुशबू और भी महक रही है और आपने जैसे कहा है खुशबू महकेगी मुस्कानों के फूल खिलाओ नित्य नई सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते जाओ पतझड़ को जाने दो पतझड़ को जाने दो बसंत को महकाओ पतझड़ को जाने दो बसंत को महकाओ अनमोल मिला जीवन सस्ते में मत गवाओ कब किसने क्या कहा क्या करा भुला भुलाते जाओ शीशों को पड़ा रहने दो हीरे मोती को उठाओ ये कितना प्यारा दृष्टिकोण है जो कुछ भी अच्छा है उसकी तरफ हमें देखना आना चाहिए ये दृष्टिकोण आपको कहाँ से मिला हमने कल भी इस पर बात की थी तब मैंने कहा था कि हम जब आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते है हाँ. या अपनी शिक्षा के वास्तविक गुणों को जब हम ले लेते हैं तो हमें सकारात्मकता देखना आ जाता है अच्छा जैसे एक शिक्षक ने अपने छात्रों को बुलाया उन्होंने कहा आज तुम्हारा मैं पेपर लूंगा अच्छा. तो छात्र तैयार हो गए क्योंकि शिक्षक अंग्रेजी का था उन्होंने सोचा था अंग्रेजी साहित्य पर हम शेक्सपियर की बुक पढ़ रहे हैं तो उसी के ऊपर प्रश्न होंगे अच्छा। सब अपने अपने मन से तैयारी करने लगे थोड़ी देर में जब उनके पास एक पेपर आया वो पूरा खाली था हाँ। प्रश्न पत्र के रूप में जो पेपर आया वो पूरा खाली था उसमें एक बीच में काला स्पॉट बना हुआ था अच्छा। अब छात्र सोच रहे हैं कि इसमें कोई प्रश्न तो है नहीं और हमारे अध्यापक ने कहा था कि हम आज आपका पेपर लेंगे इसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं है अच्छा। किसी ने लिख दिया शिक्षक जी आप क्या हमारे साथ मजाक करते हो हम इतनी तैयारी करके आए और आपने तो खाली पेपर दे दिया सभी ने अपने अपने मन से उसमें कुछ लिख दिया तो शिक्षक जब आए पेपर लेने के लिए उन्होंने पूछा सबने अपना पेपर कर लिया तो कुछ छात्र तो गुस्से में आ गए हाँ। आपने तो खाली पेपर दिया था उसमें कुछ करने का ही नहीं था गुस्सा तो है। तब शिक्षक ने कहा देखो पूरे पेपर में किसी ने कहा ये, ये देखो पेपर इतना अच्छा पेपर था उसमें ये काला बिंदु लगा दिया हाँ। इसने सारा खराब कर दिया पेपर को किसी ने कुछ किसी ने कुछ तब शिक्षक ने कहा यही तुम्हारा पेपर था अच्छा पूरे पेपर की स्वच्छता तुमने नहीं देखी एक काला बिंदु देख लिया ओ। तो किसी ने भी पूरे पेपर की स्वच्छता पर कुछ नहीं लिखा किसी ने ये लिखा कि इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है और किसी ने ये लिखा कि एक काला बिंदु लगने से पूरा पेपर खराब कर दिया किसी ने भी ये नहीं लिखा कि पूरा पेपर कितना स्वच्छ है ऐसे ही जीवन में हम एक कांटे को देख लेते हैं पूरे बगीचे में कितने फूल हैं उनको क्यों नहीं देखते हैं बराबर है मैंने जैसे कहा ये दृष्टिकोण की बात है बात है जैसे एक मुझे कहानी याद आई एक पत्नी होती है उसने पूरा घर साफ किया हुआ होता है जो शीशे का आयना होता है वो पूरा साफ कर देती है लेकिन पति कहता है कि नहीं नहीं ये तूने पूरा नहीं साफ किया है इस पे देखो ये दाग है और ये जा ही नहीं रहा है और वो खुद साफ़ करने लगता है और वो इतना साफ करता है इतना साफ़ करता है फिर भी वो दाग जाता नहीं तो वो पत्नी आती है और देखती है अरे शीशे को तो कोई दाग है ही नहीं इनको कौन सा दाग दिखाई दे रहा है

हीरे मोती को उठाओ बेशक शीशा जो है हीरे से ज्यादा चमकता है हाँ। लेकिन हीरा कीमती है, शीशा कीमती नहीं है तुम्हें तो कीमती चीजों को क्यों उठाऊ पतझड़ को जाने दो वसंत को महकाओ हाँ। पतझड़ को जाने दो जो किसी ने कड़वा बोला क्या कहा क्या करा वो तो जाने दो अगर मन में कांटे रखेंगे तो घायल तो मन होगा ही ना हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तो ये भी तो काटे ही हैं कि इसने मेरे को ये कहा इसने कल ये करा इसने कल का तो मैं अंदर से जब घायल होंगी तो मेरे मुख पर मुस्कान कैसे आएगी क्या बात है क्या बात है तो इसलिए मैंने लिखा कि कब किसने क्या कहा क्या करा भुलाते जाओ अगर आपके हाथ में फांस चुभ जाए तो कैसे निकालेंगे जहा तक फांस चुभी है उससे ज्यादा गहरी सुई आपको चुभानी पड़ेगी दर्शकों आप मेरे को लगता है आप भी मेरी बात से सहमत होंगे कि जहाँ तक फांस चुबी है उससे गहरी सुई आपको चुभानी होगी तो मैं प्रयासों की सुई गहरी चुबाऊ और कुछ सुखद पलों की अनुभूति उसके साथ लगा दूँ तो मेरा घाव भी जल्दी बढ़ेगा फांस भी निकल आएगी क्या बात तो किसी की कड़वी बातों को भुला दो और जो उन्होंने कभी तो अच्छी बातें कही होंगी उसको ही याद कर लो तो खुशी आ जाएगी अंदर बिल्कुल जितना हम खुशियों को खुशियों के पल को याद करते हैं जिंदगी उतनी खुशनुमा होती है आगे आपने कहा है फर्क नहीं कोई पथ पर है फर्क नहीं कोई पथ पर है या कोई ऊपर रथ पर है छोटी सी कोई पदवी हो छोटी सी कोई पदवी हो या सबसे ऊंचे पद पर हो चिंता की लहरों में चिंता की लहरों में डूबना नहीं, लहरना है। भरे हुए सा गगन में छा जाना है रोतों, को, रोतों रोतों को, को, को एक बार हंसा दो गिरते वो को उठाओ उ, फर्क नहीं कोई पथ पर है या कोई ऊपर रथ पर है अगर पथ सही होगा हाँ, तो जो रथ पर है वो भी पहुंचेगा जो पथ पर है वो भी पहुंचेगा बस गति का फर्क पड़ेगा अच्छा जो रथ पर है वो थोड़ा जल्दी पहुंच जाएगा जो पैदल चल रहा है वो देर में पहुंचेगा लेकिन अगर पथ ही गलत है तो मुझे ये नहीं देखना कि मैं पथ पर हूँ या रथ पर हूँ हाँ, हाँ। अगर मैं सही पथ पर हूँ तो मैं भी पहुंच ही जाऊंगी बचपन में आपने हजारों बार खरगोश और कछुए की कहानी तो सुनी है तो कछुआ पहुंच गया अब खरगोश रह गया हाँ। कैसे रह गया उसकी तो गति तीव्र थी हाँ, लेकिन लेकिन भ्रम में आ गया ना आगे आकर अभिमान आ गया ना तो रथ वाले को अभिमान भी आ सकता है ना मैं तो जल्दी पहुंच जाऊंगा करके वो अपनी गति बीच में कहीं रोक भी सकता है लेकिन जो पैदल चल रहा है उसको तो मालूम ही है मुझे चलते ही जाना है हाँ। तो वो जल्दी पहुंच सकता है इसलिए फर्क नहीं है कि हम पथ पर हैं या रथ पर हैं कितनी बड़ी बात कही है आपने छोटी सी कोई पदवी हो या सबसे ऊंचे पद पर हो मेरी पदवी छोटी है या ऊंचे पद पर है इससे भी क्या फर्क पड़ता है मेरे कर्म कैसे हैं केवट ने तो राम जी को नैया पर करा दी ना हाँ, हाँ। तो कहाँ दशरथ के पुत्र राम हाँ, हाँ। भरे हुए मेघों सा गगन में छा जाना है रोतों को एक बार हंसा दो तो, गिरते हुए को उठाना है हाँ। भरे हुए मेघों सा मेघ जल किससे लेते हैं सागर से लेते हैं फिर सागर में ही बूंदे बन के बरस जाते हैं है? है, तो है। हाँ। चांदी जैसी बूंदे नहीं बरसती क्या क्या बात है क्या बात है और वही बूंदे अगर धरती को ना मिले तो हमें फल फूल पेड़ पौधे मिलेंगे क्या क्या बात है क्या बात है तो अगर मैं ये देखूं कि बेशक अभी आसमान में काले बादल हैं, लेकिन वही जब बरस जाएंगे तो मेरे जीवन में फिर से फल फूल रस दे देंगे क्या बात है? क्या बात है? मीठी करुना बरसा दो दिलों की तपन मिटाओ, <laughs> देकर खुशियों के मोती सबके आंचल भरते जाना है क्या बात क्योंकि आज सब अंदर से खाली है हाँ, हाँ. कुछ रिश्तों की दूरी आ गई है कुछ रिश्तों में रुकावटें आ गई हैं कहीं धन की कहीं पद की कहीं पदवी की हाँ। आज रिश्ते प्रेम के उतने नहीं रहे तो हर कोई अंदर से प्रेम का भूखा है प्रेम का भूखा है लेकिन अगर हम ही दिल मन से खाली है तो हम दूसरों को कैसे बांटें इसीलिए मैंने लिखा ना मीठी करुणा बरसा दो दिलों की तपन को मिटाओ तो करुणा करुणा जो है वो खुद में पहले होनी चाहिए करुणा का भाव हमको स्वतः पैदा करना पड़ेगा ना जैसे मेघ एक कहाँ से लेते हैं सागर से सागर का जल तो खारा है हाँ, वही। लेकिन मेघ से जो बरसता है वो तो पी सकते हैं क्या क्या बात क्या बात है है तो वो खारे जल को कर, जल को लेकर मीठा बना के धरती को दे सकता है तो हम में क्या मेघ जितनी भी संगति के ज्यादा प्रभाव में नहीं आना है हाँ क्या बात है यही तो सबसे स्वयं भी हंसते रहना सबको तुम्हें हंसाना है यही तो सबसे उत्तम सबसे कीमती खजाना है वाह वाह। मेरे पास बहुत धन है लेकिन मैंने किसी को कुछ खुशी नहीं दी तो वो धन कैसा है क्या बात है क्या बात है तो जो ऊपर मैंने बात की थी कि पथ पर है कोई रथ पर है तो हाँ, पथ अगर मेरा सही है पथ में भी पाथे की बात आती है मेरा पाथेय क्या है मेरी समझ मेरा पाथे है मेरे संस्कार मेरे पाथे हैं मेरी संपदा मेरा पाथे है मेरा पाथे मीन्स जिससे हम पथ को पूरा करते हैं हाँ मेरा भोजन मेरा पाथे है कितने सारे पाथे हैं और पथ का मार्गदर्शक कौन है गुरु भी मार्गदर्शक हो सकता है पिता भी मार्गदर्शक हो सकता है समाज भी मार्गदर्शक हो सकता है अच्छा, अच्छा। सहयोगी भी मार्गदर्शक थोड़ा कोई भी हो सकता है इस मार्गदर्शक लेकिन मुझे उसमें से छांटना होगा कि मुझे क्या लेना है वही मैंने कहा कि अगर पथ सही है तो देर या सवेरा हम पहुंच ही जाएंगे लेकिन अगर पथ ही गलत चुन लिया हाँ। तो फिर हम अगर पहुंच भी गए तो वो हमारा गंतव्य तो गलत हो जाएगा फिर हमें उतनी दूर लौटना भी तो होगा बिल्कुल सही है आपका मतलब हमें दूसरों को खुशियाँ देनी है और अगर हम दूसरों को खुशियाँ देते हैं तो हम दुआएं संपादित कर सकेंगे तो धन के साथ मैं ऐसा और दुआएं हमारी सच्ची संपदा वो है। मैंने आगे लिखा ना ऐसे देते जाना देते जाना मानव से महामानव बनते जाना है क्या बात है महामानव कौन है आज हम महावीर को गौतम को गोखले को गांधी को क्यों याद करते हैं क्या धन से संपन्न थे वो लेकिन उनके एक एक वाक्य शिलालेखों पर लिखे हैं ना आज भी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल महावीर के गौतम के अशोक के गांधी जी के एक एक वाक्य को हम याद करते हैं ना बिल्कुल, बिल्कुल। तो कैसे उन्होंने पहले उसको अपने कर्म में उतारा फिर दुनिया को बांटा हाँ। तो अगर हम भी ऐसे ही करें अपने कर्म में चाहे सौ नहीं एक अच्छा धारण कर ले फिर उसको दूसरों को बांटते तो थोड़ी खुशी तो दे ही सकेंगे हम बड़ा फूल नहीं तो छोटा ही फूल उगा ले कुछ तो खुशबू मिल ही जाएगी सबको जरूरी तो नहीं है कि सब इतना बड़ा सा गुलाब उगा सके चंपे की कली भी थोड़ी खुशबू दे जाएगी क्या या रात रानी का छोटा सा फूल तो उससे भी ज्यादा खुशबू दे जाएगा क्या बात है, क्या बात है, तो इसलिए मैंने लिखा यही तो सबसे उत्तम सबसे कीमती खजाना है सच्चे मन की यही संपदा बस यही साथ में जाना है हम लोग रोज क्या बोलते हैं अरे क्या लेकर आए हैं क्या लेकर जाना है कहते सब है लेकिन क्या लेकर आए हैं क्या लेकर जाना है फिर भी दिन भर हम क्या करते रहते इससे भी ऊंची नौकरी मिल जाए ये ऊंची जॉब मिल जाए उससे कैसे ले, ले? ले करना नेचुरल भी तो है मुझे अच्छा मिल जाए ये मुझे अच्छा मिल जाए गलत नहीं है लेकिन दूसरे को गिरा कर मुझे अच्छा मिल जाए ये हाँ, गलत है वहाँ पे गलत हो जाता है वहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाता है लेकिन मैंने एक मुक्ता के इसके ऊपर लिखा था कि मैं सबको सुख दे सकूँ ये संभव नहीं हाँ लेकिन मैं किसी को दुख ना दूँ ये तो संभव है बिल्कुल है। ये तो बिल्कुल संभव है मैं सबका सम्मान करूँ हाँ। इतनी मेरे में साहस नहीं मेरे पास सामर्थ्य नहीं हाँ। लेकिन मैं किसी का अपमान ना करूं सामर्थ्य तो है बिल्कुल। मैं सबको उठा ना सकूं मैं सबको सहयोग ना दे सकूं हो सका है मेरे पास समय हो या दूरी हो हाँ। लेकिन मैं किसी को गिराऊं नहीं ये तो संभव है बिल्कुल और ये समय संपत्ति सौंदर्य सब आनी और जानी है अच्छा लेकिन मेरे कर्मों का सबसे उत्तम खजाना है बस यही तो संपदा साथ में जानी है जो मैंने लिखा है कि सच्चे मन की यही संपदा बस यही साथ में जाना है जो परमात्मा भी कहते हैं बच्चे दुआएं लो और दुआएं दो तो दुआएं हम मांग के थोड़ी ले सकते हैं किसी से नहीं दुआएं तो नहीं किसी को हम थोड़ा सा सुख देंगे उसके अंतर से निकलेगी बिल्कुल दुआएं तो वो जो अंदर से निकलती है वही सच्ची वाली दुआ होती है हाँ। आप देखिए जीवन में आप भी मेरी बात से सहमत मान लीजिए कोई छत से गिर जाता है नीचे उसको इतनी सी भी चोट नहीं लगती लोगों के मुंह से क्या निकलता है कोई दुआ काम आ गई क्या बात बराबर बिल्कुल बराबर है इसलिए हम अक्सर लोग कहते हैं धन और दुआएं इसमें बड़ी संपदा तो हमारी सच्ची संपदा तो दुआएं हैं लोग गलती कर देते हैं धन को बड़ी संपदा वो मानते हैं सच्ची संपदा वो धन को मानते हैं लेकिन धन सकोई संपदा नहीं है महाभारत के शांति और अनुशासन पर्व में शरपंजर अवस्था में भीष्माचार्य है और उन्होंने उनके सामने धर्मराज जी खड़े हैं और उन्होंने धर्मराज जी को कहा है सर्वेशम अपने विशिष्य सबसे बड़ा शौच कौन सा है तो वो अर्थ का है वो धन का है मन को मनीन करने वाली सबसे बड़ी बात धन है इसलिए हमें धन की नहीं दुआओं की संपदा कमानी है ये कितनी बड़ी अच्छी बात आपने कही विष् और... के ऊपर मैंने पूरी एक कविता लिखी है अच्छा जो इस बुक है? में नहीं है कि शरशय्या पर भीष्म पड़े हैं कितने कांटे कितने शूल उनके में आन गड़े हैं अर्जुन के तीर बनकर उनके में आन गड़े हैं शर शैया पर भीष्म पड़े हैं वो अभी इसमें नहीं है अभी मेरे दूसरे बुक में आएगी लेकिन थोड़ा सा उसके बारे में कुछ सुना रही थी नहीं वो फिर उसी में पढ़िएगा हम इंतज़ार करेंगे उस कविता का और आपने जैसे कहा है पथझ पतझड़ जाने के बाद बसंत को महकाओ ये लाइन पढ़ के मुझे एक आपकी और कविता याद आई एक, एक अपने मुक्तक लिखा है हुँ। अंकुर हुँ। उस... उसके बारे में भी आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे जिसमें आपने कहा है पतझड़ में भी होती है बरसात देखिए पतझड़ में भी होती है बरसात देखिए झलते पल्लव की वसुधा से बात देखिए दर्शकों देखिए वसुधा क्या बात करती है झलते पल्लव से झलते पल्लव झलता पल्लव क्या बात करता है वसुधा से वसुधा कहती मत रोना तू वसुधा कहती मत रोना तू गर शाखों ने गिरा दिया मैंने तो तुझको ममता दी अपने आंचल में समा लिया कितनी सुंदर बात आपने कही है ये कल्पना ही कितनी सुंदर है कि पल्लव की बात वसुधा के साथ पल्लव की बात ये ऐसे कल्पना कैसे आपको प्रस्फुलित हुई एक दिन मैं बगीचे में बैठी थी हाँ तो बरसात का मौसम तो जा चुका था पतझड़ का मौसम था ऊपर से पत्ते गिर रहे थे गिर रहे थे अच्छा। गिर रहे थे तो सारे पत्ते नीचे इकट्ठे होते जा रहे थे तब मेरे मन में ये भाव आया कि देखो ऊपर शाखों ने तो गिरा दिया हाँ। लेकिन माँ वसुधा ने तो सबको अपनी गोदी में ले रखा है कितनी प्यारी उसने तो उनको फेंका नहीं तो मैंने क्या लिखा पतझड़ में भी होती है बरसात देखिए झरते पल्लव की वसुधा से बात देखिए पल्लव माने पत्ता। पत्ता तो पत्ते जब ऊपर से गिरते जाते हैं तो धरती माँ की गोद में समाते जाते हाँ। हैं तो वसुधा कहती मत रोना गर शाखों ने गिरा मैंने तो तुझको ममता दी अपने आंचल में समा लिया तू तो सूख गया शाखों ने तुझे गिरा दिया तोल मत हाँ। रो और बरसात यहाँ किसकी और ये पत्तों की हाँ। इसलिए मैंने लिखा पतझड़ में भी होती है बरसात देखिए मतलब जिंदगी में जो बुरे अनुभव आते हैं उनको नजरअंदाज करके जो अच्छा हमें मिलता है उनकी तरफ हमें देखना चाहिए नहीं उनमें से मैं अच्छा कैसे निकाल सकती हूँ मैंने आगे लिखा है ना मैंने तो तुझको ममता दी अपने आंचल में समा लिया संसार की यही तो रीति है जब तक हरियाली है तब तक प्रीति है जब तक आपके पास धन है आपके बहुत सारे मित्र हैं धन है पद है मान है मर्यादा है बहुत सारे मित्र हैं जो नहीं बनते हैं वही भी मित्र बन जाते हैं हाँ। लेकिन... लेकिन जैसे ही सब गया <laughs> तो सा जो सच्चे मित्र होते हैं वही एक दो मित्र रुकते हैं बाकी सब चले जाते हैं तो ऐसे ही जब तक पेड़ पौधों पे हरियाली है लोग घूमने आते हैं देखने आते हैं कौन पतझड़ के मौसम में जाता है घूमने क्या बात है क्या तो ऐसे तो ही मैं धरती माँ कहती है संसार की यही तो रीति है जब तक हरियाली तब तक प्रीति है मिट जाने का गम्मत कर फिर फूटेगा अंकुर बनकर यही पतझड़ पत्त के पत्ते गिरे हुए जब उसमें बारिश के पानी से गिर के खाद बन जाएंगे तो फिर वही अंकुर बन के फूट आएगा हाँ। तो मिटना और सृजन होना ये तो प्रकृति का नियम है ना हाँ, हाँ। बाल होता है फिर युवा होता है फिर वृद्ध होता है फिर शरीर छोड़ देता है फिर नया जन्म लेता है बिल्कुल हाँ, सुबह होती है दोपहर होती है शाम होती है रात होती है फिर अगली सुबह आ जाती है हाँ। प्रकृति परिवर्तनशील है ना कोई भी नष्ट नहीं होती है दोबारा जन्म ले लेती है है तो प्रकृति भी पत्ते को कह रही है। फिर फूटेगा तू अंकुर बनकर फिर हरा भरा होगा ना अंकुर देखा होगा आपने छोटा सा हाँ, कोमल सा कैसा अंकुर होता है कितना सुंदर मुझे ऐसा लगता है आप नेचर से बहुत ज्यादा क्लोज हो तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसा बहुत ज़्यादा ऐसा घूमते फिरते हो या ऐसा ऑब्जर्वेशन आपको इतना कैसे आप कर पाते हो बचपन से एक जिज्ञासा हमें कुछ भी जानने समझने के लिए अपने अंदर जिज्ञासा पैदा करनी होती है हाँ। एक होता है जिज्ञासा एक होता है अभिप्सा जिज्ञासा होता है इच्छा पैदा होना अच्छा। जानना हाँ। अभिप्सा होता है कि उसी इच्छा को मैं इतना बना लूं जिसको बर्निंग डिजायर कहते हैं इंग्लिश में हां कि मैं जब तक वो मैं जान ना लूं तब तक मेरे को उसको छोड़ना नहीं है हां तो डिजायर होती है वो बर्निंग डिजायर उसको अभीपसा कहते हैं उसके बाद समीक्षा अच्छा कि जो मैंने सीखा है जो मैंने समझा है उसमें कितना मेरे काम का है और कितना व्यर्थ भ्या, है व्यर्थ को छोड़ दीजिए काम कर का रह जाएगा क्या बात है तो उसी को मैंने लिखा है मिट जाने का गम मत कर फिर फूटेगा अंकुर बनकर पूरा मिटता कुछ नहीं है जैसे प्रकृति में सब बदलते हैं मरते नहीं है अच्छा। पत्ते से खाद बनी ऊपर से बारिश का पानी बढ़ा फिर नया पौधा हो गया क्या बात है और मैं आपको ये आपसे जानना चाहती थी कि ये जो प्रकृति की प्रवृत्ति है वो हमारे अंदर हम कैसे लाए ये सब प्यार ये सबको देना और सबके प्रति प्यार की भावना ये हमें हमें हम सब में कैसे ला सकती है जितना हम प्रकृति के पास रहेंगे तो हमें वो स्वतः आ जाएगा कि कैसे हमको देना है जितना और मुझे ऐसे लगता है कि परमात्मा प्रेम भी है हम जितना प्रकृति के पास जाएंगे जाएंगे उतना ही वो हमारे अंदर भरता जाएगा कि क्योंकि जैसे ये सब प्रकृति इतनी सुंदर है तो उसे बनाने वाला कितना सुंदर होगा वही सब आपके विचारों से आपकी कविता से हमें जानने को मिलता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ हो जीवन में चाहे कुछ भी हो लेकिन हमें ये निसर्ग की तरह ये प्रकृति की तरह प्यार बरसाना चाहिए तो धन आपकी बात मैं आगे बढ़ाती हूँ कठिनाइयों में प्यार हम कब दे सकेंगे जब हमारे मन के अंदर होगा अच्छा। कठिनाई क्या है एक सीढ़ी है अगर आप नीचे की सीढ़ी छोड़ेंगे नहीं तो ऊपर की सीढ़ी पर पाँव कैसे रखेंगे क्या बात है तो कठिनाई भी हमारे को बताती है कि हमारी कितनी योग्यता आ गई और कितनी बाकी है क्या बात है तो अगर कठिनाई ना आए तो हम अपनी परीक्षा तो कभी लेंगे ही नहीं तो परीक्षा बिना कैसे पता चलेगा कि हमें कितना कर लिया और कितना पाना शेष है क्या बात है क्या बात है तो इसलिए कठिनाई आना भी जरूरी है अगर रात ही ना आए तो दिन का महत्व कौन करेगा वाह क्या क्या बात है। क्या बात है है आप और कुछ कहना चाहती हो हमारे दर्शक से मैं सोचती हूँ हमारे दर्शक इतने सदाशय हैं इतने सदबुद्धि वाले हैं कि फिर भी मेरे को लगता है कि उन्हें कुछ तो मिल ही रहा होगा इस हमारे वार्तालाप से अगर उनके फिर भी कोई प्रश्न हो, हाँ, तो वो हमें भेज भेज सकते हैं। बिल्कुल भेज सकते हैं और आपने इतने मैंने जितने सारे प्रश्न सोचे होंगे उसके अंदर मैंने उसका उत्तर देने का अपना पूरा प्रयास किया है क्या बारे? फिर भी कभी भी कोई कहानी खत्म नहीं होती है नई कहानी जन्म लेती है इसलिए एक कविता से दूसरी कविता जन्म लेती है ऐसे एक प्रश्न से दूसरा प्रश्न जन्म लेता है मैं आगे आगे भी आपको नए नए उत्तर समर्पित करती रहूंगी बिल्कुल ही आप बिल्कुल समर्पित करते रहेंगे और आपने इतने प्यार से ये प्यार की बातें समझाई कि प्यार कैसे बांटना चाहिए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद आपका तो दर्शकों आज के एपिसोड में हमने सीता जी से जाना कि ये खुशियाँ ये प्यार कैसे हम बांट सकते हैं और खुशियाँ देने से वो कैसे बढ़ती है हमारी सच्ची संपदा कौन सी है और प्रकृति की तरह हम कैसा प्यार बरसा सकते हैं तो ऐसा ही प्यार बरसाते रहे और देखते रहिए हमारा ये कार्यक्रम कवि और इसकी कृति नमस्कार